नमस्ते, मेरा नाम इंद्रजीत कौर है, मैं सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे वाइट बॉटम मार्जिन। वाइट बॉटम मार्जिन से हम समझते हैं जब भी जो व्यक्ति लिख रहा है, लिखते लिखते एंड में काफ़ी स्पेस बच जाती है, बट वो फिर भी पेज को पलट देता है और आगे लिख देता है। जगह होने पर भी वो नहीं लिखता। हमने पिछली वीडियोस में जाना था कि जो हमारी बॉटम है वो हमारी इवनिंग्स को बताती है, जो पेज का बॉटम पार्ट है वो हमारी इवनिंग से रिलेट करता है। तो जो ये राइटर है, ये कोई भी काम करता है तो ये काम को समय से पहले कंप्लीट कर लेता है, ये इसका ट्रेट रहेगा। समय से पहले कोई भी काम को कंप्लीट करेगा। जैसे कि अगर इसका ऑफिस 4 बजे ख़त्म हो रहा है तो वो 3:30 बजे वाइंड अप कर लेगा या 3 o'clock ही। मोस्टली कई हाउसवाइफ्स एंड तक काम नहीं करती, ये मतलब अपना काम पूरा कंप्लीट करके उसके बाद ही अपने आप को मी टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इनको सोने से पहले कुछ मेडिटेशन करना है, कुछ बुक रीडिंग करते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते हैं, तो मी टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम। एक तो ये रीज़न हो गया। एक रीज़न ये भी है कि समय से पहले काम कर लेना, उनके माइंड में ये एक चैलेंज, एक फियर रहता है फ्यूचर को रिलेटेड, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए वो समय से पहले काम कर लेते हैं। तो एक फियर रहता है, और जो कि जिसको बोले सुपरफिशियल फियर, मतलब मे बी वो फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, बट वो फ्यूचर को लेके काफ़ी उनके माइंड में स्ट्रेस रहता है। इसी रीज़न से ये थोड़ा रिजर्व नेचर भी रहता है इनका, मतलब अपने आप को पूरा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये हमारा बॉटम मार्जिन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी मैं आपके साथ लेके आऊँगी, हैंड राइटिंग साइज पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मैं आपको प्रॉपर पूरा ये एक एक टॉपिक को लेके आऊँगी बहुत ही अच्छे से, सिंपल वे से। सो प्लीज़ उसके लिए आपको, मतलब अपने आप वीडियोस आती रहें तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।